दिल्ली में सांसों पर प्रदूषण का पहरा है, लगातार बढ़ रहा है। जहरीली हवा में दिल्ली वासियों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। केजरीवाल सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, ये बताने के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनुवेश रथ। बताइए अनुवेश, और क्या कुछ फैसले लिए हैं दिल्ली सरकार ने, किस तरह से पॉल्यूशन कम करने को लेकर सरकार मशक्कत कर रही है? जी दीपक, हम सबसे पहले तो दिल्ली का ये जो प्रदूषण है लगातार कई सालों से नवंबर के महीने में शुरुआत से देखा जा रहा है, उसी के साथ साथ अगर बताया जाए इस साल लगभग 500 के करीब 999 के करीब भी प्रदूषण लेवल पहुंच गया था। और उसी के साथ साथ अभी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, दिल्ली की सरकार है, एलजी है और सुप्रीम कोर्ट है, लगातार इस चीज पे हस्तक्षेप कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले तो ये कहना है कि ये जो प्रदूषण हो रहा है, ये जो पॉल्यूशन हो रहा है, इसके पीछे सिर्फ दिल्ली सरकार अकेले काम नहीं कर सकती है, इसके पीछे बाकी लोगों को भी इसको मेहनत करनी होगी। इसी के साथ साथ दिल्ली सरकार जो और इवन का फॉर्मूला लाना चाहती थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसका जो प्रूफ है दैट इट एग्जिस्ट और इसका कोई फायदा मिल रहा है वो आप हमें सबसे पहले दिखाइए, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जो अब फ्राइडे को दोबारा शुक्रवार को इसको बहस होनी है सुप्रीम कोर्ट में। इसी के साथ साथ दिल्ली सरकार जो है वो आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर बैठक कर रही है, जहां पे जो आर्टिफिशियल रेन होता है उसको दिल्ली में कराया जाएगा, जिसके वजह से जो प्रदूषण लेवल है उसको कम किया जा सकता है। इसी के साथ साथ जो एंटी स्मोक गन्स हैं या फिर एंटी पॉल्यूशन गन्स हैं वो दिल्ली में अलग अलग जगह स्थापित किए गए हैं, जो कि चल नहीं रहे थे, हालांकि इतने दिनों के प्रदूषण के बाद भी आज उसको चालू कर दिया गया है। उसके साथ अगर आप नर्मदा की बात करें, नर्मदा में बहुत झाक आ चुका है, अगर उसको लेवल पे बात की जाए तो अभी वो 9 लेवल पे है और उससे आगे कोई काउंटिंग होती भी नहीं है। इसी के साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें यमुना में जो छठ की पूजा होती है उसमें उस पूजा को करने के लिए बताया गया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चीज को अभी खारिज कर दिया है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया है नर्मदा के पॉल्यूशन को देखे। जाहिर तौर पर अब फ्राइडे को एक और सुनवाई होनी है, उसके बाद क्या निकल कर आएगा वो देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया कहने अनुवेश आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।